हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जैसा कि आप सबको ज्ञात हो चुका होगा, लगातार 2 महीने से मैंने आपको बताया है कि ये भर्ती जो आने वाली है, जिसमें अन्य राज्यों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार सिविल कोर्ट की भर्ती है, जिसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्यून और दिल्ली की भर्ती, और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी प्यून पे होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे साथी जो है ना, एक चीज़ को बहुत लाइटर ले रहे हैं, और वो है इंटरव्यू। कि इंटरव्यू को सीरियस मत लीजिए। देखिए, मैं आपको कहना, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। इंटरव्यू सबसे सीरियस रोल है। आपको पता नहीं है कि 10 नंबर में पहले हुआ करता था, इस बार 15 नंबर कर दिया गए, 5 नंबर बढ़ा दिए गए। और असली खेल आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी बच्चा या बच्ची जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, 70 नंबर के आसपास में वो एवरेज ले लेता है। असली खेल जो होता है ना, वो इंटरव्यू में ही जाकर शुरू होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखेगा कि असली चीज इंटरव्यू होता है, क्योंकि वहां आपका पैमाना नापा जाता है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, इन सारे पहलुओं पे वन बाई वन करके बात करिए। आज जो कि सारे के सारे पद जो होते हैं, स्टेनोग्राफर के हो, क्लर्क के हो, कोर्ट रीडर्स कम डिपोजिट राइटर के हो, प्यून और दिल्ली की हो, सबके ऊपर एक्सटेंसिव कवर नहीं कर सकते, वन बाई वन कर लेंगे। लेकिन आज जो है आपको ओवरऑल बता देते हैं कंपटीशन का लेवल क्या होगा और आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप में से बहुत सारे साथियों को तो फायदा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले से आप तैयारी में लगे हैं, जिनको पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, इसमें सिलेबस में जो है ना, ये भी एक एक्सटेंसिव बदलाव आ गया है। आपको देखने को मिलेगा कि रिटेन का सिस्टम खत्म किया जा रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गोपनीय हैं, जो अभी तक आपकी जानकारी में कुछ लोगों ने बताया, लेकिन ठीक तरीके से मुझे लगता है कि आप तक कन्वे नहीं हुई। प्रीलिम्स और मेंस के पैटर्न की तरह से एग्जाम होगा जरूर, लेकिन आपको क्वेश्चन की अहर्ता और एलिजिबिलिटी भी इस बार तय की गई है, तो काफ़ी सारे बदलाव हैं। इन सारी चीज़ों से आपको अवगत होना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपको मैं एक बात बताता हूं कि देखिए, इस भर्ती के बारे में लगभग 3 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था, और आपने अगर अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसलिए कहता हूँ कि जब भी कोर्ट संबंधी कोई भी प्रक्रिया आती है, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, तो आप एक बार ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश की भी सिविल कोर्ट की भर्तियाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी की आने वाली हैं, तो आप उसकी तैयारी में भी लग जाइए। पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसके बारे में बात करें। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी आपको इसके एक एक सेगमेंट के ऊपर मैं आपको डिस्कस करके ऐसी चीज़ें इंश्योर करूंगा जहां से आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाएंगे, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, बहुत सारे साथी जो इंटरव्यू को लेकर के ही कह रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत सीरियस नहीं होता है। नहीं, ये गलत बात है। कोर्ट का, चपरासी का भी इंटरव्यू बहुत सीरियस होता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके जवाब बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ये प्यून तक की बात कर रहा हूँ। प्यून तक में आपको अलग अलग लेवल पे आपके मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, आपकी योग्यता कितनी है उस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी वाक्य शैली क्या है उसके ऊपर भी मार्क्स आते हैं, आपके कितनी अहर्ता है, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने वर्क को लेकर के, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस पर भी मार्क्स आते हैं। तो कुल मिला जुला के, और असल में देखिए, लास्ट में सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से ही ऊपर नीचे होता है, ये आप सबको पता है। आप लोग कोई नए खिलाड़ी तो है ना इस फील्ड में, है ना? तो ये जो है ना, आपका इंटरव्यू ये कवर करता है। इसलिए आप इंटरव्यू, और इंटरव्यू को लेकर के आगे मैं थोड़ा सा सेशन दे दूंगा आपको। और इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जिनको भी लगता है कि ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम हो जाएगा, नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की भर्तियाँ बहुत जल्दी कंप्लीट होती हैं, और यूँ कंप्लीट हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, 3 महीने के अंदर अंदर सब फाइनल हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर तक आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं आपके पदों पर, पदों का सृजन कितना हुआ है और किस तरीके से हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहां देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ये देखिए 12/9 को आपको देखने को मिलेगा यहां पे, 12/9 को यहां पे आपको वैकेंसी आई हुई है रिगार्डिंग एडमिट वैकेंसी, पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट राइटर कम डिपोजिटर राइटर एंड प्यून अधिनरी इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार। तो ये आपकी आपकी जो है, ये आपका पद आ चुका है, समझ रहे हैं? और इस पद में आप अगर जाके देखेंगे थोड़ा सा, तो पदों की संख्या अगर आप देखेंगे, पहले आपको ये चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। और एक चीज़ ये है कि इसमें जो है, बिहार से आप बिहार को रिलेट मत कीजिए, कोई भी एलिजिबल है तो वो किसी भी राज्य का है, वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, उसको बस शॉर्टलिस्ट होना है। इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, बिहार के राज्यों में कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, सबके लिए समान ही अवसर है। तो आप यहाँ देखिए, अब आपको नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, पदों की संख्या पे सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो इस बार सबसे अच्छी जो पद आई है ना, सबसे अच्छा जो पद आया है
वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो क्लर्क का पद देखिए, क्लर्क में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, इस बार 3,325 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की भी पदों की संख्या एकदम डायनेमिक चेंज होकर के 1,562 पद आ गए हैं। कोर्ट रीडर गवाही लेखक जो है वो भी 1,132 पद है। मतलब ये इतनी सीटें कभी नहीं आई आज तक जितनी इस बार आई हैं। चपरासी अदरदली में भी देख लीजिए तो 1,673 सीटें आ गई हैं। तो और ये जो है ना चपरासी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें हर कोई अप्लाई करता है, ये आप भूल जाइए कि MBA वाला अप्लाई नहीं करता है, हर कोई अप्लाई इसमें करता है। क्योंकि असल में अर्दली जो आपको लगता है ना, कोर्ट की अर्दली और स्कूल की अर्दली में चपरासी में फर्क होता है। दोनों के अलग अलग वर्क डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारे काम जो होते हैं। आप लोगों ने कोर्ट में गया, अगर आप कोर्ट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि अर्दली क्या क्या काम करते हैं। तो गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट आई होप, ठीक है। और इसमें बहुत कंपटीशन, और इसमें इसलिए भी कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि 10वीं लेवल से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ शॉर्ट करूँ, आगे एक एक सेगमेंट पे अलग अलग वीडियो आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन इतना तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो चपरासी में बहुत ज़्यादा ही होगा, और इस बार चपरासी में इंग्लिश को भी सम्मिलित किया गया है 15 नंबर के, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप पिछली बार जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़े थे, वो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, और 30% पास भी करना पड़ेगा हर पेपर में, जबकि 34% क्वालिफाइंग है मेंस में। इनसा थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना, लेकिन वीडियो जल्द लंबी बन जाएगी इसलिए आपके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो चपरासी की भी तैयारी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और चपरासी को भी इंटरव्यू देना पड़ेगा 15 नंबर वाला, याद रखिएगा आप लोग। तो आप इंटरव्यू, और अगर आपने इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा कर लिया ना, 10 में 15 में से 12-13 नंबर उठा लिए, और इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि 10 में 10 नंबर भी मिलते हैं कोर्ट के इंटरव्यूज में, ये आप याद रखिएगा। UPSC नहीं है कि आपको आधे नंबर मिलेंगे, इसमें 10 में 10 मिल जाते थे पहले, और अब 15 में 15 भी मिल सकते हैं। ये डेवलपमेंट हम आपके साथ आगे जुड़ के बीच में आपके इंटरव्यू के पहले आप लोगों का एक सेशन जरूर ले लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दे देंगे, आप वहां जुड़ जाइएगा, वहां हम आपको डिस्कस करके दे देंगे। चलिए अब आ जाते हैं आपके पदों के बाद से क्या होने वाली है प्रक्रिया, परीक्षा की पैटर्न क्या होगा, पेपर क्या होगा। हालांकि इसके बारे में आपने को बहुत सारा डिस्कशन हो गया है, मैं आपको बस सूक्ष्म तरीके से ये बता देता हूँ कि इसमें दो चरण होंगे। पहला स्क्रीनिंग, जिसमें से स्क्रीनिंग में से आप लोगों को छांटा जाएगा, 8 से 10 गुना, मतलब लगभग मान के चलिए कि 50,000 के आसपास में लोगों को बुलाया जाएगा इसमें आपको मेंस लिखने के लिए। मेंस लिखने का मतलब क्या है, इसमें भी एक बदलाव हो गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। पिछली बार हिंदी और इंग्लिश की आपने रिटन पेपर दी थी, लिखित में दी थी, इस बार वो सिस्टम खत्म करके आपको OMRCT भरना है। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल को इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें OMRCT भरने में जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए भी आसान है, और जो बच्चे नॉर्मल खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, जैसे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो ओमार पे अच्छे हैं, 4 ऑप्शंस में से 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंपटीशन का लेवल जो है इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, और पेपर थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस पैटर्न को इसीलिए ख़त्म किया गया है, तो अब आपको सिर्फ ओमार पे भरना है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अर्हता की बात है तो ग्रेजुएशन लेवल तक ये 3 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, और क्लर्क और स्टेनोग्राफर और कोर्ट ऑफिसर जो होता है आपका, मतलब कोर्ट रीडर जो होता है, ये 3 पोस्ट जो होते हैं ना, ये ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। चपरासी सिर्फ 10वीं लेवल पे आता है, अर्दली जिसको कहते हैं प्यून को, तो उसके सिर्फ 10वीं लेवल पे है, ये आपकी अर्हता है। लेकिन अगर आपने चपरासी में MBA किया है तो आपको आपकी योग्यता पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। इसमें ये वाला सिस्टम नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है तो भी आप बराबर नहीं, चपरासी में अगर आप ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो आपको उसकी भी बोनस मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर। चलिए ये बात हो गई, अब आ जाते हैं पेपर। तो आपको प्रीलिम्स में क्या देखना पड़ेगा, 25 नंबर का आपको मैथ मिलेगा, 25 नंबर की आपको GS मिलेगी, 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश। पेपर का जो लेवल होता है ना, बहुत ही डाउन लेवल होता है। इस पेपर को ना आपने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, GS आपका थोड़ा स्ट्रांग है, मैथ थोड़ा स्ट्रांग है, तो आप पहला राउंड तो आराम से क्रैक कर जाएंगे। इसके मार्क कई बार घोषित नहीं होते हैं, कट ऑफ आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन जो क्वालिफाई होते हैं उनके नंबर्स आ जाते हैं, रोल नंबर आ जाते हैं। लेकिन ये पेपर बहुत ही इजी लेवल का होता है, ये आप समझ लीजिए, और आपकी कंपटीशन का लेवल थोड़ा मैथ वगैरह ठीक है तो आप निकाल लेंगे, इसलिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पैकेज भी ठीक ठाक होता है, ग्रेजुएशन लेवल के जॉब में आपको 40 के आसपास में सैलरी मिल जाती है, 35-40 के अराउंड मिल जाती है, और 2 साल के अंदर अंदर आप 50 का आंकड़ा पार कर जाते हैं, और प्लस कोर्ट की नौकरी है, तो इट्स परमानेंट एंड पावरफुल, ये भी चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो ये एक चीज़ हो गई आपके लिए। दूसरी बात, अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपका एक दूसरा लेवल का पेपर होता है, इसी में हुआ है खेल। पहले जो होता था 10 नंबर का इंटरव्यू होता था, 90 नंबर का रिटर्न होता था, इस बार 5 नंबर उसमें से घटा लिए गए हैं, और 5 नंबर घटा करके इंटरव्यू को दे दिया गया है, याद रखिए। इंटरव्यू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 नंबर क्यों बढ़ाया गया, इसका मतलब आप समझिए, जब आप किसी कोर्ट वाले से जीतते हैं ना, आप सब्सक्राइब करके रखिए साहब, कर लीजिए,
आपकी काफ़ी हेल्प कर दूंगा मैं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ इस जर्नी में आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, आप परेशान ना होइए, इसलिए इतना पैनिक मत लीजिए। बट आपको बताना जरूरी है कि किस किस एस्पेक्ट पे आपको काम करना है, ठीक है। मेंस के लेवल में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे जीएस का पीछा छूट जाता है, जीएस खत्म हो जाता है, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का मैथ, बस यही है आपका पूरा का पूरा मेंस का एग्जाम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी सामान्य विद्यार्थी जो है, अगर उसने थोड़ी सी तैयारी की है, और बिहार के टेंडर को देखा जाए, यूपी बिहार, तो वहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा एज लेके चलता है, मैथमेटिक्स अच्छा खासा स्ट्रांग होता है बच्चों का, और वो मैथमेटिक्स और हिंदी भी स्ट्रांग होता है, तो इसलिए मान के चलिए कि थोड़ा सा अगर आपकी इंग्लिश भी उसी लेवल की तैयारी हो गई है तो आप जो है आराम से इसको क्रैक कर जाएंगे, और ये जो है इसके साथ ही आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस भी क्लियर हो जाता है, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है और आपको इंटरव्यू में जाना रहता है। ये आपकी प्रक्रिया है। वैसे 1-1 सेक्शन के लिए, कलर के लिए अलग, स्टोनोग्राफर के लिए अलग, स्टोनोग्राफर में आप जब जाएंगे तो आपको शॉर्ट हैंड्स वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी, इसके बारे में अलग अलग सेगमेंट में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपसे आपको हम कन्वे कर देंगे टाइम टू टाइम, 1 से 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर आपको जो है मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा कि आपको किस डायमेंशन में अप्रोच करना है। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और फ्री ही रहेगा जो भी गाइड रहेगा मेरा, ये एक क्लियर सी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ और जुड़ें। एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें जो है ना आपकी अपनी योग्यता बहुत मायने रखती है कि आपने मैथ कितना पढ़ा है, आपने इंग्लिश कितना पढ़ा है। मैं अभी भी बिहार और यूपी वालों को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ग्रामर पे, एक्टिव पैसिव पे, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने उस सेक्शन, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हिंदी और मैथ दो सब्जेक्ट तो आपके काफ़ी अच्छे होते हैं, इंग्लिश ही थोड़ा सा ब्रेकअप होता है, और इंग्लिश का ब्रेकअप आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन में जाना है तो। इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं पैटर्न लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच में, एक ही वीडियो में सारा पैटर्न डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आप समझ गए होंगे आई होप। तो कुल मिला जुला के ये पूरी प्रक्रिया आपको समझनी पड़ेगी, और पूरी प्रक्रिया के बाद से फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आप भूल जाइए कि पहले जैसे जो क्वेश्चन आते थे ना कि मतलब क्या नाम है, ये सब चीज़ें नहीं होती है इंटरव्यू में, या शर्ट का कितना बटन पहन के आए, ये सब बकवास है। आपके वर्क प्रोफाइल पे ही क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम विंग जैसे ही आएगा मैं आपको स्टेनोग्राफर का वर्क प्रोफाइल भी डिस्कस करके बताऊंगा बहुत ही डीप तरीके से कि कैसे आपको करना है, और साथ ही इंटरव्यू के लिए कलर के लिए वर्क प्रोफाइल, क्योंकि सारा डिस्कशन आपके वर्क प्रोफाइल पे होता है, और साथ में कुछ जजमेंट्स के बारे में भी कभी कभी मन करता है तो इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि आप इस जजमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या कोई परिस्थिति सिचुएशनल आस्क कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इमीडिएट आपको कोर्ट में फाइल लगवानी है, वो आपको लगता है कि मामला बहुत ज़रूरी है लेकिन जज साहब नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये भी आपके उस वक्त के इंटरव्यू में बहुत ही पिवोटल रोल निभाते हैं, तो ये बातें आप ख्याल रखिएगा। तो टोटल सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सारा पैटर्न होने वाला है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इंटरव्यू को हल्के में आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो जाएगा। एक एक सेगमेंट के ऊपर, जैसे कि कलर के 3,325 पोस्ट है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, और ऐसे ही मैं आपको स्टेनोग्राफर की भी रियलिटी बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की भी बता दूंगा, कोर्ट रीडर का, कोर्ट रीडर की ड्यूटी सबसे अच्छी होती है, बस उसको कोर्ट में ही काम है, उसके बाद खत्म, जज साहब उठ गए कोर्ट रीडर भी उठ जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो सारे पद जो हैं वो बहुत ही गर्माई हैं, आप इसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं जो पहले से जुड़े हैं, अब सिलेबस के ऊपर जब है अगली डिस्कस जो करेंगे अब अगली वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद है कि इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा, और किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे स्क्रीनिंग में मोड एग्जाम हो, चाहे वो पीटी हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई भी हो, आप उसको सीरियसली लीजिए और इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा कार्य कीजिए। मैं जल्दी ही आपको पूरे पेपर डिस्कशन के साथ एनालिटिक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, और आप सब लोग भी आके मिले और कहेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया था, हमने आपको देखा था, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, 20 से 20 तक ही फॉर्म भरना है आपको, 20 अक्टूबर तक फाइनल है। और एक क्वेश्चन है, क्या एक आदमी एक ही पद पे भर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चार के चारों पदों में अप्लाई कर सकते हैं आपकी योग्यता अगर है तो। आप 10वीं की योग्यता लेके आप कलर्क तो नहीं बन पाएंगे ना, लेकिन अगर आपकी योग्यता है तो आप डिस्कस कर सकते, आप कर सकते हैं, और चारों फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। हर कलर का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर का एक फॉर्म, कोर्ट रीडर का एक फॉर्म, या फिर प्यून का भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चार फॉर्म भर के आप चारों जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, बाद में ये अगले लेवल पर डिस्कस होता है।
तो ये भी आपके लिए क्लियर है। सारे राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जरूरी बात है। तो आप कहीं से भी हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप तैयारी कर लीजिए। बाकी आपके डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उसको आप सबके बीच में लगा करके सॉल्व कर दूँ। प्रणाम।